तो दोस्तों, अगर आपको जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा इसलिए नहीं मिल रहा है कि आपका जो लैंड सीडिंग है वो यहाँ पर नो शो हो रहा है, ठीक है ना, या मान लीजिए आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा किसी भी कारण से नहीं मिल रहा है, आपका आधार डीबीटी नहीं बता रहा है, या केवाईसी स्टेटस आपको यहाँ पर नो बता रहा है, या आपका जो एफटीओ है यह प्रोसीड नहीं हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपका जो है लैंड सीडिंग का प्रॉब्लम है, वैसे आधार सीडिंग तो आपका जब बैंक में आप जो है एनपीसीआई या डीबीटी को इनेबल करवा देंगे तो उससे हो जाएगा, केवाईसी आपको जो है इसमें करवानी ही होगी। अगर आपका केवाईसी स्टेटस पेंडिंग बता रहा है तो केवाईसी किस तरह से करना है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखे हैं, ठीक है ना। अगर आपका एफटीओ जनरेट नहीं हो रहा है और आपका लैंड सीडिंग का इशू नो आ रहा है तो उसको आप जो है किस तरह से दूर कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको जो है प्रॉपर गाइडेंस मिलने वाली है। तो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिल रहा है तो आज के इस वीडियो में आपको 101% सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको जो है अपने मोबाइल के या लैपटॉप के किसी भी एक ब्राउजर में इस वाले पोर्टल को ओपन कर लेना है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों, इस वाले पोर्टल पर आ जाने के बाद आपको यहां पर जो है काफी सारी ऐसी सर्विसेज मिलती है जिनमें कि आप खुद से घर बैठे ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं और उन समस्याओं से आप जो है निराकरण पा सकते हैं। ये वाला पोर्टल जो है भारत सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रशासनिक सुधार एवं लोक सेवा शिकायत केंद्र। तो अगर आपको जो है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है इस वाले पोर्टल पर अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं, जिससे कि आपकी वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। इनका जो है मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुका है, उस पर आपको डिटेल में वीडियो बहुत ही जल्दी मिल जाएगी, जिससे कि आप अपने मोबाइल के माध्यम से ही आपको जिस किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में प्रॉब्लम आ रही है, आपको मनरेगा का पैसा नहीं मिल रहा है, आपको पीएम किसान का पैसा नहीं मिल रहा है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम आप जो है यहां पर गवर्नमेंट तक सीधी बात करके पहुंचा सकते हैं। अभी दोस्तों, यहां पर आ जाने के बाद आपको जो एक साइन इन का बटन दिखेगा, ठीक है ना। तो जैसे आप साइन इन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, अगर आप जब फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो यहां पर सबसे पहले आपको क्लिक हियर टू साइन अप वाले बटन पे क्लिक करना होगा। तो आपको यहां पर सबसे पहले अपना एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, मतलब यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होगा। उसके लिए सबसे पहले यहां पर अपना नाम लिखेंगे, यहां पर आप जो है जेंडर सिलेक्शन करेंगे, मेल फीमेल, ठीक है ना। उसके बाद आप जो है यहां पर अपना कंप्लीट एड्रेस फिलअप करेंगे, यहां पर आप जो है आपके गांव का नाम लिखेंगे, यहां पर आपका कंट्री सिलेक्टेड रहेगा, स्टेट आप यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। जिस किसी भी स्टेट में आप रहने वाले हैं, सभी स्टेट में सर्विस को लाइव कर दिया गया है, तो आपका जो भी स्टेट आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट आप यहां पर चयन करेंगे इस तरह से, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। उसके बाद एरिया का पोस्टल पिन कोड आप यहां पर एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर आपका जो भी आप यहां पर डालेंगे, ईमेल एड्रेस आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे, सिक्योरिटी कैप्चा को यहां पर फिल करेंगे, सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया जाएगा। फिर आपने जो मोबाइल नंबर यहां पर प्रोवाइड किया था, उसके माध्यम से आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए आपको जो है दोबारा से होम पेज पर चले जाना होगा। अब आप जो है लॉगिन विद ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहां पर जो मोबाइल नंबर से अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया था मोबाइल नंबर आप डालेंगे, उसके बाद गेट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी आपको यहां पर एंटर करना है, इस वाले कोड को यहां पर डालना है, लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा। अभी दोस्तों, यहां पर सबसे पहले आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, लोड पब्लिक ग्रीवियंस, आपको यहां पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, आपको टर्म को एग्री करना है, सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अभी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको काफी सारी स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, जिसमें कि आप डायरेक्टली ग्रीवियंस लोड कर सकते हैं। अभी दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर और भी काफी सारी सर्विस को देखना है तो यहाँ पर आपको एक मोर का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफी सारी सर्विसेज आ जाएगी। आज के इस वीडियो में हम जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लैंड सीडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने जो है इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है, एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर। तो यहाँ पर एक बार फिर से आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा, तो कैटेगरी में आप जो है पीएम किसान को एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने पीएम किसान रिलेटेड इशू सिलेक्ट कर लिया है। सब कैटेगरी में आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे आपका जो है क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है ना। यहां पर आपको बताया गया है स्टॉप, जैसे कि आपका किस्त जो है स्टॉप हो गया है, आपको रिसिप्ट नहीं मिला है, आपका अप्रूवल पेंडिंग में है, बेनिफिट को जो है यहां पर फायदा नहीं मिल रहा है, जो भी प्रॉब्लम है आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है टाइप कर देना है अपनी प्रॉब्लम को, और यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट जिसमें कि आपका लैंड सीडिंग का इशू नो बता रहा है, तो उस वाले स्क्रीनशॉट को आपको यहाँ पर अटैच कर देना है। आप यहाँ पर चूज फाइल वाले बटन पे क्लिक करेंगे, जहाँ कहीं भी आपने स्क्रीनशॉट रखा है उसको आप जो है लोड करेंगे, इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, स्क्रीनशॉट आपका लोड हो जाएगा, अटैच करेंगे तो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप जो है नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन आपको शो कर दी जाएगी, आपको फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर ग्रीवियंस को लोड कर देते हैं, तो जो भी आपकी शिकायत है, जो भी पीएम किसान सम्मान निधि डिपार्टमेंट है,
उसको फॉरवर्ड कर दी जाती है, फिर आपका जो इशू है वहां पर देखा जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है और फिर आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपका प्रॉब्लम पटवारी के द्वारा सॉल्व किया जाएगा तो आपकी इन्फॉर्मेशन पटवारी को शेयर कर दी जाएगी, फिर पटवारी जो है आपको कॉन्टेक्ट करके या आपके तालुका में, आपके शहर में या आपके गाँव में आकर आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देगा अगर लैंड सीडिंग से रिलेटेड इशू है तो। इस तरह से दोस्तों आपका जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लैंड सीडिंग का इशू इजीली आप जो है दूर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल ऑनलाइन तरीके से। इसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। अगर इसके बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप जो है अपने एरिया का जो भी पटवारी है या जो भी लेखपाल है उससे एक बार संपर्क कर लीजिए, तो उनके द्वारा भी आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। आई होप कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।